जिसके जिम्मे कुर्बानी वाजिब है वो कुर्बानी अदा करे। और एक हदीस में आता है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब है कि आपने ये फरमाया कि जिस शख्स के अंदर इस्तेआत हो कुर्बानी करने की और वो कुर्बानी ना करे तो हमारी ईदगाह पे भी ना आए, ईदगाह के करीब भी ना फटके। ये बईद बयान फरमाया अगर इस्तेआत है, अलबत्ता इस्तेआत पर मौकूफ है, अल्लाह ताला ने कोई हुक्म ऐसा नहीं दिया जो इंसान की वसत से बाहर हो। और उसकी मकदार जो फकहाए किराम ने मुकर्रर की है वह है 52.5 तोला चांदी की कीमत। अगर इतने पैसे आदमी के पास मौजूद हैं या इतने पैसों का सोना मौजूद है तो फिर उसके ऊपर कुर्बानी वाजिब हो जाती है। या उसके पास नकद रखे हैं, चाहे उस पर साल भी ना गुजरा हो और चाहे वो जेवर की शक्ल में हो या जरूरत से ज्यादा सामान की शक्ल में हो तो कुर्बानी उस पर वाजिब हो जाती है। तो उसका उसको अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म समझकर अदा करना चाहिए। बाज जगहों पर इस किस्म के मुगालते हैं या गलत फहमियां हैं कि भाई शौहर ने कर लिया तो बीवी की तरफ से भी अदा हो गया, बाप ने कर लिया तो बेटे की तरफ से भी अदा हो गया। ये बिल्कुल गलत बात है। जैसे बाप की नमाज से बेटे की नमाज अदा नहीं होती, शौहर की नमाज से बीवी की नमाज अदा नहीं होती, दोनों का अलग अलग फरीजा है। शौहर का अलग फरीजा है कि नमाज पढ़े, बीवी का अलग फरीजा है कि नमाज पढ़े, तो एक का दूसरे से कोई ताल्लुक नहीं। इसी तरह अगर घर में एक से ज्यादा अफराद हैं और हर एक साहिब निसाब है यानी हर एक के पास गुंजाइश है कुर्बानी करने की तो फिर हर एक के जिम्मे अलग कुर्बानी वाजिब है। लिहाजा ये जो ख्याल पैदा होता है लोगों के दिलों में कि बस चलो घर में एक हो गया तो बस काफी है, ये ख्याल दुरुस्त नहीं है। हर एक आदमी को ये काम करना चाहिए और अल्लाह तबारक व ताला की इताअत के जज्बे से करना चाहिए, अल्लाह ताला का हुक्म मानने के जज्बे से करना चाहिए। और इस जमाने में जो इबादत अल्लाह ताला ने रखी है उस इबादत की रूह को समझने की जरूरत है और वो यही है अल्लाह ताला की इताअत। इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाय व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह तबारक व ताला अपने फजल व करम से अपनी रहमत से हम सबको इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिरु दावाना अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इंशाअल्लाह दारुल उलूम में ईद उल अज़हा की नमाज सुबह 8 बजे अदा की जाएगी। दारुल उलूम में ईद उल अज़हा की नमाज 8 बजे अदा की जाएगी और यहीं मस्जिद में इंशाअल्लाह नमाज होगी। अगर हो सके तो अपने साथ मुसल्ले लेकर आ जाएं। अस्सलामु अलैकुम।